आज हम केबल बना रहे हैं जी। यूटीपी केबल है, स्ट्रेट केबल है। ये हमारे पास यूटीपी स्ट्रेट केबल है मौजूद है, और ये कनेक्टर है। इस कनेक्टर को RJ45 कहते हैं, और ये ऑलरेडी कुछ पैच पैनल की केबल्स मौजूद हैं जो बनी बनाई केबल्स हैं। प्रॉपर तरीके से पैच पैनल की ये केबल्स जो है मौजूद है, और ये जो है वो केबल टेस्टर है। केबल को टेस्ट करेंगे कि हमने केबल सही बनाई है कि नहीं बनाई है। और ये जो है वो कटिंग और पंच टूल है जिससे हम जो है इस कनेक्टर को पंच करेंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं केबल बनाना। सबसे पहले हम इसको छील लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर चार पेयर्स होते हैं, इनको हम अरेंज करेंगे चार पेयर को स्ट्रेट की तरह। वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, इस तरीके से इसको जो है वो प्रॉपर अरेंज करेंगे। ये ट्विस्टेड पेयर कहलाती है। तमाम जो पेयर्स वो आपस में ट्विस्ट हुए, इन ट्विस्ट को हमने खोलना है और इन केबल्स को जो है बिल्कुल स्ट्रेट करना है ताकि प्रॉपर तरीके से ये इस कनेक्टर के अंदर जो है वो चला जाए तमाम केबल्स, ठीक है। वाइट ऑरेंज हमने सबसे पहले रखी है, ठीक है जी। वाइट ग्रीन, ब्लू, फिर वाइट ब्लू, फिर ग्रीन, फिर वाइट ब्राउन और फिर ब्राउन। इसको हमने प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लिया है। इनको सीधा करके हम प्रॉपर तरीके से कट कर लेंगे स्पंज टूल के साथ, ठीक है जी। अब ये कनेक्टर लेंगे, RJ45 कनेक्टर है। इसे यहाँ उल्टा करेंगे और इस तरीके से जो है ये केबल्स अंदर करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये अंदर अच्छे तरीके से प्रेस करें ताकि चला जाए ये। और अब इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे कनेक्टर, और इसके साथ पंच टूल के साथ हम इसको प्रेस करेंगे तो ये तमाम केबलें आपस में पंच हो जाएंगी। और इसी तरीके से हमने दूसरा एंड तैयार करना है, और ये केबल जो है हमारी वो तैयार है। और केबल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक केबल बनी हुई है, इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो केबल टेस्ट करने के लिए हमारे पास कनेक्टर है, ठीक है जी। और कनेक्टर के अंदर हम यहाँ पे एक ये यहाँ पे एक डालेंगे एंड, और दूसरा एंड जो है वो यहाँ पे डालेंगे कनेक्टर के साथ, ठीक है जी। और यहाँ पे इस बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये सिग्नल शो कर दिया कनेक्टेड है, ठीक है। और ये इसमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है जी। ये बिल्कुल सही केबल है, प्रॉपर तरीके से ये टेस्ट हो गया। ये तमाम ओके होगी, 1 to 8 पेयर्स ओके हो गए। तो इस तरीके से आप केबल को भी टेस्ट कर सकते हैं।